हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम सोरियसिस, जिसको हिंदी में छाल रोग कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सोरियसिस शब्द जो है वो ग्रीक शब्द सोरा से बना है, जिसका मतलब इचिंग होता है। तो सोरियसिस क्या है? तो सोरियसिस जो है वो एक प्रकार की क्रॉनिक रिकरेंट इंफ्लामेटरी डिसीज होती है। मतलब ये गंभीर लंबे दीर्घ अवधि की डिसीज है, जिसमें स्किन के अंदर इंफ्लामेशन हो जाता है और ये बार बार होती है। इसमें स्किन जो है उसमें रेड, इची और स्केली पैचेज बन जाते हैं, उसको ही हम सोरियसिस कहते हैं। कॉज, सोरियसिस का एग्जैक्ट कॉज जो है वो अननोन है। मतलब इसका एग्जैक्ट कारण क्या है वो अभी तक ज्ञात नहीं है। कुछ आइडियोपैथिक कॉज जो है वो लगाया गया है कि सोरियसिस जो है वो एक प्रकार की ऑटो इम्यून डिसीज है। ऑटो इम्यून इसका मतलब होता है कि हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम जो होता है वो बॉडी की के ही किसी सेल के अगेंस्ट काम करता है। बॉडी के ही जो सेल है उसको वो एंटीजन मान लेता है और एंटीजन मान के उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है, और ये एंटीबॉडी जो है वो उसके नॉर्मल सेल जो है उसको भी डैमेज कर देते हैं, जिसके कारण से वहाँ पर इंफ्लामेटरी प्रोसेस जो है मतलब इन्फ्लामेशन हो जाता है और उसके कारण से सोरियसिस हो सकता है। कुछ रिस्क फैक्टर है, जोखिम कारक है, जैसे हेरिडिटी, सोरियसिस जो है उसमें हेरिडिटी भी रहती है। यदि पेरेंट्स में किसी को सोरियसिस है तो बच्चों को होने की संभावना हो सकती है। एक होता है इन्फेक्शन, बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल के इन्फेक्शन के कारण से हो सकता है। स्किन इंजरी, बार बार स्किन के ऊपर इंजरी होती है या बार बार चोट लगती है या स्किन जो है रब्ड ऑफ होती है, तो उसके कारण से भी वहाँ पर सोरियसिस हो सकता है। एक क्लाइमेट चेंज जो होता है, जैसे सर्दियों के अंदर ये सोरियसिस की संभावना और ज़्यादा गंभीर होती है। एक कुछ ड्रग्स जो होती है वो भी सोरियसिस का कारण हो सकती है, जैसे लिथियम है, बीटा ब्लॉकर है, इंडोमिथासिन जो होती है, एनएसआईडी ड्रग, ये ड्रग क्या करती है कि स्किन जो है उसके अंदर डिपॉजिट होती है, जिसके कारण से स्किन में इंफ्लामेटरी प्रोसेस हो सकता है। स्ट्रेस या अत्यधिक टेंशन या तनाव के कारण से भी सोरियसिस की कंडीशन हो सकती है। एक ओबेसिटी के कारण से भी सोरियसिस हो सकता है। स्मोकिंग जो है उसके कारण से भी सोरियसिस हो सकता है। तो ये दो रिस्क फैक्टर जो है वो हो जाएंगे जो सोरियसिस की संभावना को बढ़ा सकते हैं। सोरियसिस डिसीज होती कैसे है? तो किसी भी कारण से, खास करके ऑटोइम्यून डिसीज के कारण से, जो फास्ट ग्रोइंग सोरियटिक सेल जो होते हैं, वो नॉर्मल सेल से 10 times ज़्यादा फास्टर होते हैं। उनमें प्रोलिफरेट होता है, मतलब वो फास्ट ग्रोथ होने लगते हैं, जिसके कारण से केराटिनोसाइट जो सेल होती है वो प्रोलिफरेट हो जाती है। उनके प्रोलिफरेशन के कारण से वहाँ पर केराटिनाइजेशन होता है, मतलब सेल के अंदर केराटिन जो है प्रोटीन उसका डिपोजिशन होता है। उसके डिपोजिशन के कारण से वहाँ पर प्लेक का फॉर्मेशन हो जाता है, और उसके बाद वो जो प्लेक जो होता है वो फिर रब्ड ऑफ होता है, मतलब वो जो होती है वो स्किन जो होती है वो जड़ती है। उसके कारण से वहाँ पर सोरियसिस कंडीशन हो सकती है। अब हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। तो सोरियसिस जो है वो क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज कंडीशन है जो बार बार होती है। तो इसके जो इनिशियल साइन जो होते हैं वो होता है रेड स्पॉट ऑन द बॉडी, मतलब बॉडी के ऊपर लाल कलर का एक स्पॉट दिखाई देता है। उसके अलावा जो स्पॉट बनता है वो ड्राई हो जाता है, वहाँ पर स्वेलिंग होती है और इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और वहाँ पैचेस बन जाते हैं। जो पैचेज होते हैं वो बाद में जाके सिल्वर वाइट जो है फ्लेक्स उससे ढक जाते हैं, मतलब इसमें चांदी कलर के या चांदी जैसे चकत्ते बन जाते हैं। तो सिल्वर कलर के चकत्ते या विल बनना, ये सोरेटिक का एक साइन होता है। उसके अलावा ये सोरेटिक जो होते हैं वो फिर केचेज होते हैं वो क्रस्ट बन जाते हैं, और क्रस्ट बनने के बाद वो वहाँ से पपड़ी के रूप में स्किन जो होती है वो जड़ती है। उसके अलावा स्किन जो होती है वो उठ जाती है, रेज हो जाती है और थिक या मोटी हो जाती है। इचिंग होती है और बर्निंग सेंसेशन होता है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, जलन भी होती है। सिल्वर कलर के जो पैचेस बनते हैं वहाँ पर ब्लीडिंग होती है, ब्लड की बूंदें जो है वहाँ जम जाती है, जिसको ओजिंग कहा जाता है। जॉइंट जो है उसके अंदर स्टिफनेस और पेन होता है, ये स्टिफनेस पेन जो होता है वो अधिकतर मॉर्निंग के टाइम होता है। नेल जो होती है उसका कलर चेंज हो जाता है, वो पीले कलर के हो जाते हैं, और नाखून जो होते हैं उसके अलावा नाखूनों के अंदर गड्ढा बन जाता है, मतलब नाखून जो होते हैं वो धस जाते हैं। तो ये साइन है जिसके द्वारा सोरियसिस जो है उसमें दिखाई देते हैं। सोरियसिस के लीजन जो होते हैं वो कॉमनली स्काल्प है, एल्बो है, नी है, जेनेटेलिया है, नेल है, ईयर है, यहाँ पर ये कॉमन होते हैं। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन, पता कैसे लगाना? तो पेशेंट जो है उसकी हिस्ट्री ली जाती है, उसकी हेल्थ हिस्ट्री और उसकी फैमिली हिस्ट्री जो है वो ली जाती है। सेकंड, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में स्किन इंस्पेक्शन करते हैं, स्किन इंस्पेक्शन के पर पैचेज जो है सिल्वर कलर के पैचेज वो दिखाई देते हैं,
इचिंग होती है, उसको रेजर स्किन होती है, उसके बाद अनुमान लगा सकते हैं। एक स्किन बायोप्सी है वो की जाती है, ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, ब्लड टेस्ट के अंदर ESR जो होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट वो बढ़ा हुआ मिलता है। सोरेसिस का मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर टॉपिकल थेरेपी जो है वो काम में ली जाती है। टॉपिकल थेरेपी मतलब स्किन के ऊपर जो है वो ऑइंटमेंट क्रीम या कोई भी चीज़ जो है वो अप्लाई करना। इसमें ओलाइव ऑयल जो है वो कोलतार जो होता है क्योंकि ये एंटी स्केलिंग होता है तो वो बाथ वाटर जो है उसमें ऐड किया जाता है। इमोलिएंट क्रीम जो होती है जिसमें अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होता है पेंडर्म करके, वो क्रीम जो है वो अप्लाई करनी है। अप्लाई जो है वो बाथिंग करने के बाद स्किन को ड्राई करने के बाद करनी है। इसके अलावा एंथ्रेलिंग जो है वो भी स्किन के ऊपर अप्लाई की जाती है। एक विटामिन डी जो है वो अप्लाई किया जाता है, विटामिन डी के अंदर कैल्सिप्रोट्रियोल क्रीम होती है उसको अप्लाई किया जाता है। टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड जिसमें बिटामिथाजोन जो ऑइंटमेंट होता है वो भी अप्लाई किया जाता है इसके अंदर। तो ये तो हो गया टॉपिकल थेरेपी। एक सीवियरिटी गंभीर है तो सिस्टमेटिक थेरेपी जो है वो दी जाती है। सिस्टमेटिक थेरेपी के अंदर स्टेरॉइड जो है वो दिए जाते हैं जिसमें ट्राइमिकोलोन जो है केनाकॉट वो दिया जाता है, मेथोट्रेक्सेट जो है वो दिया जाता है। मेथोट्रेक्सेट जो होता है वो स्किन सेल जो है उसके प्रोडक्शन को कम करता है। इसके अलावा ओरल रेटिनॉइड जो है विटामिन ए वो दिया जाता है। एट हाइड्रोक्सी यूरिया जो है वो दिया जाता है, ये इचिंग जो है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। साइक्लोस्पोरिन जो है वो दिया जाता है, साइक्लोस्पोरिन जो है वो इम्यून सिस्टम जो है उसको सप्रेस करता है जिससे इन्फ्लामेशन की कंडीशन जो है वो कम होती है। फोटोथेरेपी दी जाती है, फोटोथेरेपी के अंदर यूवी रेज जो होती है वो दिए जाते हैं। पेशेंट को फोटोसेंसिटाइजिंग ड्रग जो होती है 8-methoxysorolin ये ड्रग दी जाती है। ये ड्रग देने के बाद उसको सोरेलिन एंड अल्ट्रावायलेट ए रेडिएशन जो होता है यूवी रे उस लाइट से एक्सपोज किया जाता है। ये रे जो होती है वो क्या करती है कि सोरेटिक सेल जो होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, मार देती है, जिससे सोरेसिस की कंडीशन जो होती है वो कम होती है। एक असेंशियल ऑयल जो है वो दिए जाते हैं, ये एसेंशियल ऑयल जो है वो स्ट्रेस और एंजाइटी जो है उसको कम करते हैं, साथ ही साथ इचिंग को भी कम करते हैं। अब बात करेंगे हम डेली केयर की या नर्सिंग केयर क्या प्रोवाइड करनी है। पेशेंट को डेली बाथ के लिए एडवाइस करना है कि वो डेली बाथ करे, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करे, नहाने के बाद मॉइस्चराइजर जो है उसका उपयोग करना है, बॉडी जो है उसको कवर करके रखना है अफेक्टेड पार्ट को। पेशेंट को एडवाइस देनी है कि स्किन जो है उसको कुछ देर के लिए सनलाइट जो है उसको एक्सपोज करे, मतलब धूप में बैठे 10 मिनट के लिए। बाथिंग के बाद बॉडी को ड्राई करने के मेडिकेटेड क्रीम जो होती है जिसमें हाइड्रोकॉर्टिजोन या सैलिसिलिक एसिड जो है वो अप्लाई करने का कहना है पेशेंट को। स्मोकिंग या स्ट्रेस जो है उसको अवॉइड करने के लिए कहना है। स्किन इंजुरीज जो है उससे बचने के लिए एडवाइस देनी है। अल्कोहल जो है वो ड्रिंकिंग करने के लिए मना करना है। वेल बैलेंस्ड डाइट जो है वो एडवाइस करनी है लेने के लिए। पेशेंट को एडवाइस करनी है कि वो स्ट्रॉन्ग परफ्यूम या हार्ड सोप जो है उसका उपयोग नहीं करें। इसके अलावा लंबे समय तक वाटर जो है उसके कांटेक्ट में भी नहीं आए, इसका भी उसको पेशेंट को एडवाइस करनी है। पेशेंट की नेल जो है वो कट कर देने हैं ताकि स्किन जो है उसको इंजुरी नहीं लगे। पेशेंट को एडवाइस करनी है कि वो लूज कॉटन के क्लॉथ जो है वो पहने। पेशेंट जो है उसको एडवाइस करनी है कि वो तेज धूप जो है उसमें जाने से बचे। तो ये था सोरियासिस। थैंक यू।